ये पूछना चाहूंगा कि आपने नई चीज नहीं या काफी समय से ये काम कर रहे हो, क्या कहना चाहोगी हाल ही में जो नवजोत सिंह सिद्धू को निकाला गया कपिल के शो से, उसके बारे में क्या कहना चाहता है? भाई मैंने पहले भी, मुझे बहुत लोग फोन करते हैं कि क्या कह रहे हैं, मैं मुझे होता कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ सुनी नहीं कि सिद्धू जी ने क्या कहा, क्योंकि अब मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, जितना भी हम इंस्टाग्राम फेसबुक भी बिजी रहते हैं और कभी कभी तो अपना शो भी नहीं देख पाते, सो मुझे नहीं पता, और अगर है भी कुछ किया भी है या बोला भी है तो वो अलग काम है, ये अलग काम है, वो काम का इस काम पे नहीं असर पड़ना चाहिए, है ना। अभी ऐसा ना हो कि मतलब कोई प्रैंक्स पूरा लग जाए तो लोग बोले कि भारती ने ये प्रैंक गलत किया तो उसको वो वाले शो से भी निकालो, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं यार, हमको माफ़ कर देना चाहिए कि हमारे देश के लिए भी उन्होंने बहुत कभी क्रिकेट खेला है, तो आज जब वो नहीं कर रहे तो हम उनके एकदम खिलाफ क्यों हो जाते हैं। मुझे लगता है अगर हम ही अच्छे बन जाएंगे ना तो सब अच्छे हो जाएंगे। 11 मार्च शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है। वीडियो देख के सबसे ज़्यादा कौशल बहुत खुश है, ये मेरे मैनेजर हैं, बहुत खुश है, कह रहे और मैडम का काम चलेगा, परसेंटेज बढ़ेगी। ये बैठे हैं जी, मैंने सबसे भयंकर टी शर्ट पहनी है जो डिजाइन ही नहीं समझ आ रहा, कौशल एक बार दिखाओ, पूरा मीडिया जानना चाहता है ये कौन सा डिजाइन है, ये थोड़े अलग है, जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है उस दिन मोटी टी शर्ट पहनते हैं और जिसे ठंड होती है पतली सी टी शर्ट, तो पता नहीं मुझे, मैं इसको पागल कर देती हूँ, ये ऐसा ही है या फिर। सो थैंक यू सो मच गाइस, हम ऐसे ही हंसी मजाक में ही ये शो बन गया और इतने बड़े बड़े फेस इस शो में जुड़े हैं, सो होप सो कि आप सबका बहुत प्यार मिलेगा। 11 तारीख से 11 मार्च से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे, वैसे तो जितना अच्छा ये शो है ये 9 बजे का स्लॉट होना चाहिए था, लेकिन 6 बजे के स्लॉट में हम इतना अच्छा करेंगे कि चैनल खतरों के खिलाड़ी का फिनाले करके हमारा ये डाल देगा, है ना। अगला सीजन 9 बजे। अरे नहीं नहीं, 6 बजे का स्लॉट इतना गर्म हो जाएगा कि बाकी सब कॉम्पिटिशन में 6 बजे डालेंगे, क्योंकि वहां सब देखने हैं, हमारे पास हमारी टीआरपी की है। अभी 8 बजे कर दो, क्योंकि 9 बजे इनका राइजिंग स्टार है ना। अच्छा हाँ। तो अभी इन्होंने पीछे से बोला मेरे राइजिंग स्टार का क्या होगा, सो कोई बात नहीं, अभी होने वाला था। 8 बजे नागिन है भाई, देखो सबके अपने अपने बजे अच्छा स्लॉट है भारती, 6 बजे ठीक है। देखिए बहुत सारी बातें होगी भारती, मैं एंड में इतना ही कहना चाहूंगा कि शो काफी सिंपल है, रिधिमा के वो भी पिंपल है, ये जब भी हम शो शुरू करते हैं कि आपको शो समझाते हैं, शो बहुत सिंपल है, रिधिमा के मुंह में पिंपल, तो ये ऐसे कर करके पूरी टैगलाइन ये है, और बेचारी ने पिंपल ठीक भी कर लिया है। एग्जैक्टली, मेरा पिंपल आकर ऑलमोस्ट चला भी गया, आगे क्या करूं, शो 3 घंटे रोकी थी सब पिंपल की वजह से, इसलिए वाई फैलाना बंद कीजिए गुप्ता जी, आपका मेरा झगड़ा फिर से शुरू। अरे ये बिग बॉस नहीं है, हंसी वाला शो है। तो थैंक यू सो मच गाइज, सोशल में आए हैं, ड्रिंक्स लीजिए, मतलब पीने वाले ना मीठे मीठे ड्रिंक और थोड़ी दूसरे, और खाइए पिए और फिर आइए इंटरव्यू करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, गोरा हाथ आया। टैटू जनरली जो होता है, लोग अपनी महबूबा का नाम टैटू कराते हैं, ये भाई साहब ने क्या किया देखिए, और ये असल टैटू है, ये एक्चुअली असल टैटू है, एक्चुअली क्या करना, अब शो का प्रोड्यूसर मैं हूँ तो किसी को रिक्वेस्ट करना, अरे भाई करवा लो, मैं क्या लिख दो यार, क्या होता है, मेरी कौन सी जगह का रेंट आ रहा था यार, ठीक है, झूठा एक नंबर का हारा है वो, इसलिए सजा मिलती है, इतनी खतरनाक सजा है यहाँ पर भाई, वो हारा है, मेरी तो लाइफ खराब हो गई ना, क्योंकि कल वैसे भी ऐसे करके गले लगी, मैं कहा चलो आज मूड है पपिया का, देखा तो विकास मेरा मूड ही खराब हो गया, मैंने बोला रह जा पीछे जा यार, ऐसे वाला हो गया थोड़ा, ये अभी सारी उम्र विकास ही रह गए हैं, बस भगवान करे जल्दी हमारे घर बेटा या बेटी हो, जो भी हो हम उसका नाम विकास रखते हैं, ताकि थोड़ी दाग थी। थी। और मैंने 3,000 फुल स्लीव शर्ट्स का ऑर्डर किया, बिकॉज़ जिंदगी भर वही पहननी पड़ेगी, बच्चा जल्दी होने वाला है, कैसे बता, नहीं नहीं ये पिछले 11 साल से पेट ऐसा ही है भाई, मीडिया को लगता है अब हुआ, ये होता ही नहीं है, मुझे लगा इन्होंने बोला बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए इससे हम कोई दूसरी जो सेंसर ना कर सके वो बोल दे, थैंक यू सो मच, ड्रिंक पीजिए खाइए और नमस्ते, थैंक यू। अच्छा इधर आओ तो इनका क्या करें, कितने चालाक होते हैं। तो आप कहना चाहेंगे
ओके बट कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू शो खतरा 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 आखिर है क्या लोगों में कुछ अलग ही आ चुका है कि कुछ खतरा है क्या खतरा है इनकी भी हंसी निकल के पूछते वक्त एक्चुअली खतरा खतरा यानी कि जैसे कि पहले खतरों के खिलाड़ी था वैसे ही खतरा 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 है मतलब इसमें जान का खतरा नहीं भाई इसमें शान का बहुत खतरा है क्योंकि ये शो एक ऐसा शो है जिसमें एक दूसरे की ऐसी वाट लगाने वाले हम सब कि मतलब ऐसा शो आपने कभी टीवी पे नहीं देखा होगा कि जहाँ पे सीरियसली एक दूसरे की वाट लग रही है थप्पड़ पड़ेंगे तो सीरियस पड़ेंगे मुक्के पड़ेंगे तो सीरियस पड़ेंगे और जो भी हम लोग एक दूसरे को सजा देने वाले हैं वो भी सीरियसली देने वाले हैं। अच्छा हर्ष आपका एक कॉन्सेप्ट है आइडिया कहाँ से आई शो बनाने का? आइडिया एक्चुअली बहुत टाइम से दिमाग में घूम रहा था कि यार बिकॉज मैं इतने सारे नॉन फिक्शन शोज लिख चुका हूँ तो सब में मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि फॉर्मेट बिकॉज फॉर्मेट में हम राइटर्स कभी फॉर्मेट में रहते ही नहीं हम बिकॉज हम रात तक जागते हैं सब उठते हैं तब हम सोते हैं तो ऐसी सब चीज़ें जो हमारी जो लाइफ है उसी टाइप का एक शो है जिसमें कोई फॉर्मेट ही नहीं है सीधा घुसे आए पांच दो दोस्तों ने मस्ती की मजाक किया और फिर खत्म। यार ये पूछना चाहूंगा आपसे हंसी मजाक अच्छी बात है लेकिन कभी कभी सेंटिमेंटल भी कोई सिचुएशन होता है तब भी हम हंसी मजाक करते हैं? नहीं नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं सेंटिमेंटल हमने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा हुआ है क्योंकि हम ऐसा राह चलते किसी भी आदमी के साथ प्रैंक नहीं करते हमने पूरा प्लान किया हुआ सामने वाले को नहीं पता लेकिन बुलाते ही उस बंदे को है कि वो गुस्सा ना करे जैसे कभी मेहंदी वाली को बुला लिया म्यूचुअल फंड वाले को बुला लिया या इनका मेकअप करके इनको सैलून वाला बना दिया तो ऐसे वाले हैं और बाद में जब उनको बताते हैं कि ये प्रैंक्स हैं और भी सारे आर्टिस्ट आ जाते हैं रूम से बाहर और बताते हैं कि यहाँ पे कैमरे लगे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं फिर हम बोलते हैं सॉरी कोई बात नहीं सेल्फी तो वो सेल्फी लेके खुश हो जाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है सो लोग बहुत प्यार करते हैं जब ओरिजिनल देखते हैं भारती जी आप बहुत हंसाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है तब सो ऐसा ही ये शो है और किसी को भी हर्ट करने वाला शो नहीं आप जब देखेंगे आपको तब पता चल जाएगा। ओके भारती मैम आलू जी ने कहा कि आपने खतरों के खिलाड़ी में उनका बहुत मजाक उड़ा है अब उनकी बारी है तो क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स बारी तो है भाई उसकी अब पता नहीं अपनी बारी पे वो क्या करता है मुझे बहुत दीदी आप करते तो ना थूक उड़ाता था अली लेकिन इस शो में है वो मतलब इस शो में उस शो के बदले लेने का भी मौका मिलेगा। हाँ यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि अब मैं ही प्रोड्यूसर हूँ तो मैं किसी एक्टर को कन्वेंस करूँ कि भाई आपको ये करना चाहिए अरे भाई प्लीज़ कर दो मैंने बोला छोड़ो किसको कन्वेंस करना आ जाओ यार मेरे हाथ पे कर दो और मैंने करवा दी। नोकझोंक तो बिल्कुल नहीं प्यार बहुत आज है। 10 साल हो गए लिखते लिखते उसके लिए साथ में काम करते करते 10 साल हो गए तो नोकझोंक होनी तो पहले 2-3 साल में हो गई है अब पता ही है ये भी क्या सोच रही है पता ही है मैं भी क्या सोच रहा हूँ और इनको पता चल गया है कि यही ताकतवर है मैं हार जाऊंगा और सेहत भी वैसी है तो ये ज्यादा पंगा नहीं लेते अपनी बीवी से। हर्ष वाकई बड़ा प्यारा पति है बहुत अंडरस्टैंड करता है। मैं हर्ष लेट आऊंगी घर कभी नहीं हर्ष ने बोला क्यों किधर है कहाँ जा रही अच्छा ठीक है कभी कभी मेरे को गुस्सा आ जाता है कि सामने से पूछना कि किधर जा रही है किसके साथ है पूछता ही नहीं है फिर मैं घूमती रहती हूँ। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.